आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। बच्चा चोरी के शक में महिला को निर्वस्त्र करने में अज्ञात पर मुकदमा। गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की रात बच्चा चोर के शक में महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में पुलिस ने अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर बृहस्पतिवार को मुकदमा दर्ज किया गया। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना से हर कोई आहत है। मंगलवार की रात एक अर्धविक्षिप्त महिला किसी के घर में घुस गई। बच्चा चोर के शक में ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। बुधवार को उक्त महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में खलबली मच गई। वीडियो में एक बुजुर्ग उस महिला को बचाने का प्रयास करता दिखा, लेकिन बड़ी संख्या में ग्रामीण उस महिला को खींचकर एक किनारे ले गए और उसके कपड़े आदि उतरवा दिए। उनका शक था कि महिला की जगह वह पुरुष है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया, अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि पहले गोपीगंज पुलिस ने मामले में अनभिज्ञता जताई थी। उपनिरीक्षक आरपी सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बृहस्पतिवार को वीडियो जारी कर ग्रामीणों से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध मिले तो पुलिस को सूचना दें। उन्होंने कहा कि बच्चा चोरी होने का अफवाह फैलाने के नाम पर किसी निर्दोष का अपमान सामने आता है तो लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। हालांकि अगर अफवाह में सच्चाई नजर आए तो 112 नंबर पर सूचना अवश्य दें। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। है उसमें मानसिक रूप से कमज़ोर एक महिला का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग उसको बच्चा दोस्त समझ के उसके साथ मारपीट और अभद्रता कर रहे थे। इस वीडियो को तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसमें वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इसमें महिला जो है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर है, वो वादी नहीं बन पा रही है, तो उसमें पुलिस स्वतः संज्ञान लेते हुए उसमें मुकदमा दर्ज करके और जो लोग इसमें जिन्होंने ये घटना की है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं जनपद वासियों से अपील करता हूँ कि किसी भी तरह की इस तरह की अगर अफवाह हो तो उसमें संयम का परिचय दें। जो हमारी PRB की गाड़ियां हैं वो लगभग 7.5 मिनट में पहुंच जा रही हैं कहीं भी, तुरंत आप पुलिस को सूचित करें और हमारे जो SHO से लेके और SP तक के जो नंबर हैं वो सभी लोगों के पास उपलब्ध हैं, उसमें तुरंत हमें सूचित करें और खुद कानून अपने हाथ में ना लें और किसी व्यक्ति की जान सम्मान और गरिमा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ या उसको ठेस ना पहुँचाएँ। यदि आप जाने अनजाने इस तरह की गलती करेंगे तो कानूनी रूप से आप कार्रवाई के दायरे में आएंगे और ये चीजें एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें WhatsApp भी कर सकते हैं।